नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। नान खटाई, नान खटाई को सभी लोग बड़े पसंद करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग। तो आज हम आपको नान खटाई बनाकर बताएंगे। तो इसके लिए हमने सामग्री ली है, मैदा 1 कप, सूजी 1/2 कप, बेसन 1/2 कप, घी 1 कप, इलायची है 4 जिसे हमने बारीक कूट लिया है, नमक 1 पिंच, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, पिसा हुआ शक्कर 1 कप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नान खटाई। बड़ा बॉल लेंगे और उसके अंदर हम पहले घी डालेंगे और पिसी हुई शक्कर डालेंगे और दोनों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बड़े अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, एक क्रीमी टाइप हो गया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, सूजी, बेसन, 1 पिंच नमक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इलायची। अब इन सभी चीज़ों को फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डो बनने लगा है। अगर आपका डो न बने तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। थोड़ा सा और हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे अच्छी तरह से डो बन जाए। तो डो हमारा बन चुका है। अब इसमें हम एक पेड़ जैसा डो निकालेंगे, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी घी से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से हम रख देंगे। तो हमने पेड़े इसके बना लिए हैं छोटे छोटे, और देखिए बीच में हमने गैप किया है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाला हुआ है, तो फूलेंगे तो एक दूसरे को टच न हो, इसके लिए हमने दूरी रखी हुई है। अब इसे हम बेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुकर लिया है, कुकर में हमने नमक डाला हुआ है। ये नमक को हमने 2-3 बार यूज किया, इसके लिए नमक का कलर बदल गया है। आप जो नमक लेंगे वो शायद पूरी तरह से सफ़ेद होगा। और इसमें हमने एक जाली रखी हुई है और उसके ऊपर हम इसे रख देंगे। आप पकड़ का इस्तेमाल करें नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। और हमने इसे 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था, जिससे गर्म हो गया है, जिसे हम कहते हैं ना प्री हीट करना। ओवन को जैसे हम प्री हीट करते हैं वैसे हमने इस कुकर को भी प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके ढक्कन से रिंग निकाल लेंगे और बिना सीटी का इसे 15 मिनट तक बेक करेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा चेक करेंगे। वाह, देखिए कितना बढ़िया हमारा बेक हुआ है। थोड़ा सा और हमें इसे बेक करना चाहिए। फिर से चेक करेंगे। हाँ, तो हमारा ये पूरी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसे हम बाहर निकालेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए डो से भी हम नान खटाई बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, नान खटाई बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसके दूसरी तरफ भी बड़े अच्छे से बेक हुआ है। इस तरह से आपका थोड़ा सा जलेगा पीछे, तभी ये आगे अच्छे से बेक होगा। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो यानी कि रेसिपी के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।